श्यामा मिश्रा नागपुर से जुड़ी हुई हैं। श्यामा, आपसे जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम को लेकर काफ़ी हलचल है, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की परंपरा में रचे बसे और कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। कांग्रेस में कहीं ना कहीं बेचैनी भी है, कांग्रेस को पता नहीं किस बात का डर है, और उनके इस दौरे को लेकर विरोध भी हुआ है, यहाँ तक कि उनकी बेटी ने भी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। श्यामा जी, नदीम, इन सब के बीच में जहाँ पर प्रणब मुखर्जी ने इस पूरे प्रस्ताव को स्वीकार किया और भारतीय अभी वो प्रेजेंट है यहाँ पर, जहाँ पर तृतीय वर्ष वर्ग का अपना डेमोन्स्ट्रेशन शुरू है, हमने देखा जो हम लाइव विजुअल्स हम देख रहे हैं उसमें ये तृतीय वर्ष के जो कार्यकर्ता है वो अपने जितने भी उन्होंने लर्निंग है, जितना भी उन्होंने सीखा है, कराटे कह लीजिए या अभी जो कर रहे हैं, वो सब यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, प्रणब मुखर्जी उसे देख रहे हैं। बात रही जितने भी कांग्रेस लीडर्स की तरफ से या उनकी बेटी की तरफ से सब बात का विरोध हो रहा था, कहीं ना कहीं ये बेचैनी जरूर थी कि प्रणब मुखर्जी, क्योंकि वो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, क्यों उन्होंने आरएसएस के साथ ये वैलिडिटी फंक्शन के लिए तृतीय वर्ष वर्ग के समारोह में आने के लिए, शिरकत करने के लिए हाँ की। ये बात उन्हें बस क्योंकि ऑपोजिशन का जो अभी हम बात करें, ऑपोजिशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, और ऐसे में अगर कांग्रेस के दिग्गज नेता अभी आरएसएस के ऐसे कोई फंक्शन में जाते हैं तो उन्हें एक डर सा लगा रहता है कहीं प्रणब दा भी उनसे जुड़ ना जाए। साथ ही जब हम बात करते हैं कि आरएसएस की ओर से क्या इसकी प्रतिक्रिया है, कार्यकर्ताओं के पूरे ओर से ये एक बहुत एंथुसियास्टिक है, बहुत उत्साहित है कि प्रणब दा पूर्व राष्ट्रपति के इस डेमोन्स्ट्रेशन को देखने आए हैं। दिग्गज अगर बड़े बड़े लीडर्स की भी बात करें तो वो ये कहते हैं कि ये एक हमेशा से चलन रहा है आरएसएस का, हमेशा से ये आरएसएस जो ये वर्ष वर्ग जो पास आउट होता है उसके उसमें हमेशा एक चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है जिसने एक ऐसा कुछ ऐसे काम किए हों, बहुत सारे ऐसे काम किए हों जिनकी वजह से लोगों की जिंदगियां सुधरी हुई हैं। बिल्कुल, श्यामा, बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे कि आरएसएस के जो सामाजिक कार्य रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय रहे हैं, और यहाँ तक के उनके विरोधी भी इस बात की तारीफ करते हैं। श्यामा बिल्कुल, जो हम जितना भी अभी हम लर्निंग यहाँ पर देख रहे हैं, कराटे कह लीजिए या सामाजिक जितने भी सामाजिक रिलेटेड चीजें हैं वो यहाँ पर देखने के बाद में जरूर कह सकते हैं कि एक इंसान को डिसिप्लिन में लाने के लिए, डिसिप्लिन सीखने के लिए अपने रोजमर्रा की जिंदगी में डिसिप्लिन सीखने के लिए, साथ ही विचार जो आपके हैं सबसे ज्यादा मेजर चेंजेस आपकी विचारधारा में आती है, आपके देश के लिए आपको सबसे ज्यादा सोचने के लिए ढालते हैं आरएसएस। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर आरएसएस अगर अपने अपने देश के लिए सोचने के लिए कह रहा है तो कुछ गलत कह रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कांग्रेस ये बात अभी नहीं पचा पाएगी, अभी समझ नहीं पाएगी। साथ ही सभी मीडिया में चर्चा चल रही है, सभी जगहों से ये चर्चा चल रही है। अगर हम मीडिया की बात करें नवीन, तो यहाँ पर मुंबई से, दिल्ली से मीडिया यहाँ पर काफी संख्या में आई हुई है। जो पोडियम दिया गया है मीडिया को वो पूरा भर चुका है, ना सिर्फ नागपुर के लोग यहाँ पर, नागपुर की मीडिया, बल्कि आसपास के बड़े बड़े शहरों से, सभी जगह से मीडिया आई हुई है सिर्फ इस बात को देखने के लिए कि प्रणब अपने संबोधन में क्या क्या मुद्दे उठाते हैं। ये कहा जा रहा है कि वो सोशल मुद्दे जो है वो उठा सकते हैं, सोशल बैलेंस के मुद्दे उठा सकते हैं, और ये भी एक प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आरएसएस के ये सब सभी कामों के वो सराहना भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर शिरकत करने की प्रस्ताव को आम मंजूरी देके बाकी वो यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे मेन ट्रेनिंग ग्राउंड के पहले बोलने के बाद जो फाउंडर है आरएसएस के उनके घर जाके डिजिटल साइन करने के बाद उन्होंने ये भी लिखा कि आई एम हियर टू पे रिस्पेक्ट टू द सन ऑफ मदर इंडिया, ये लिखा। साथ ही वो हेडक्वार्टर आरएसएस में भी गए हैं, कुछ मीटिंग चली है, अभी तो पता नहीं लग पाया है कि मीटिंग में एक्चुअली क्या बात हुई है, लेकिन इतना जब सब आप आरएसएस के बाद में मिलते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप अगर जी बिल्कुल, तो ये हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा हमें जानकारी दे रही थी कि किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, किस तरह का उत्साह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों में।
और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं नागपुर से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शिरकत कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप नागपुर से देख रहे हैं, जहां पर